ਕਿਲੋ ਮੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਆ ਅਸੀਂ ਡੇਟ 5 ਦਿਨੇ ਆ ਪਰ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਸੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, पिछला एक महीना ही हो गया बारिश होती। जब बारिश होती है ना तो दो दिन हम पीछे चले जाते हैं, बारिश होती है इसमें पानी भर जाता है, पानी को खाली कराने में एक दिन निकल जाता है, दो दिन हम पीछे चले जाते हैं, उसकी वजह से डिले हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये कोई राजनीति नहीं। देखो मैं तो यही कहूँगा बड़ा फुद्दू बंदा होगा जो इस चीज़ से राजनीति करूँगा, क्योंकि इलाके के लोगों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बच्चे बीमार पे ने, बच्चों के पैर गले पे ने। पानी गंदे से तो हर एक तरह की बीमारी चढ़ लगती है, ये डायरिया बहुत ज़्यादा होता है इससे, और डायरिया सबसे खतरनाक है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे आते हैं वो कई बार पानी में ही गिर जाते हैं, या फिर उनकी ड्रेस ख़राब हो गई फिर उनको वापस जाना पड़ेगा। खास करके मंत्री साहबान जोड़े साढ़े लोकल बॉडी मंत्री ने भी कृपा करके जे एक बार वो साढ़े इतने दौरा कर लैन तो साढ़े काम बहुत ज़्यादा होने वाला हले भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़, मैं निखिल दुबे। हम अभी मौजूद है वार्ड 28 के दिन पड़ते टंडारी खुर्द के इलाके में, जहां पर डिस्पोजल बनाया जा रहा था ताकि टंडारी खुर्द, प्रेमनगर और अन्य कई इलाकों में जो पानी खड़ा है सीवरेज का गंदा पानी उसको निकाला जा सके, जिसके लिए डिस्पोजल बनाया जा रहा था। डिस्पोजल बन के तैयार भी हो गया है, हालाँकि इसको अभी तक पता नहीं क्यों डिले किया जा रहा है, क्योंकि इसको बन के चालू होने का अप्रैल महीने का समय रखा गया था। काउंसलर, नगर निगम के अधिकारी, मौजूदा सरकार के लोग भी कई आके गए यहाँ से, परंतु अभी तक चालू नहीं हुआ। यहाँ पे अभी मौजूदा इलाका पार्षद मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों इसको डिले किया जा रहा है, क्या कारण है जिसको लेकर के इसको रोका गया है और लोगों को काफ़ी असुविधा हो रही है। जो मोटर चलाया जाता है सप्लाई के पानी के लिए उसमें भी गंदा पानी जा रहा है, तो हम काउंसलर साहब से पूछेंगे कि क्यों इतना टाइम लग रहा है इसको चालू करने में। काउंसलर साहब, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे चालू करने में इसको? नहीं, दिक्कत कोई नहीं आ रही है कि अपने दुबे जी, चक्कर यह भी जोड़ा यह काम आ ना, ये पहला तो बन के तैयार हो गया, पर जोड़ा हूँ यह काम आ जो छोटे छोटे काम ने, जिदा थले फंडीशन बनना उन्हों टाइम लगता वो बन गया, ठीक है। नीचे फंडीशन बन के पाइप नीचे फिट हो गया, तुम दिखा सकते हो नीचे इन्हों, तो अज पाइप खड़े हो जाएंगे, पाइप खड़े हो गए कल तक कंप्लीट हो जाएंगे, और कल मोटरों में पै के फिट हो जाएगियाँ। उम्मीद आ असी डेट 5 दिन आ पर 5 तरीक तो पहला इनू आपां लोकां वास्ते चालू कर दांगे। काउंसलर साहब, जैसा कि अप्रैल महीने तक का इसको समय लगाया गया था कि अप्रैल में ही इसको चालू करके दे दिया जाएगा, क्या राजनीतिक की वजह से इसको डिले किया गया? नहीं नहीं नहीं, ये कोई राजनीति नहीं। देखो मैं तो यही कहूँगा बड़ा फुद्दू बंदा होगा जो इस चीज़ से राजनीति करूँगा, क्योंकि इलाके के लोगों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बच्चे बीमार पे ने, बच्चों के पैर गले पे ने। जिहड़ा बंदा राजनीति करूँ इस विषय में फिर साढ़े तो बुरा कोई नहीं है। असं कहने भी असी जो भी चाहे पहला सरकार आई ने उन्होंने कुछ नहीं कराया, हुण आम आदमी पार्टी आई आ, इन्हां नूं हले चलो आया नूं 3-4 महीने होए आ, पर असीं चाहवांगे कि यह नवे प्रोजैक्ट कोई लैके आउण जिहड़े इह कम ने ना, इहदा कम साढ़े ऑलरेडी ने, साढ़े ने, साढ़े पास कराए ने, साडा कम है ये, पर फिर भी असीं कहने भी असीं सांझे तरीके नाल ही असीं सारा कम यह करांगे, तो कोई इहदे च राजनीति नहीं हुई हैगी। तो पहला तो तुसीं देख सकते हो कि फैक्ट्री वाले ने स्टे ले लिया सीगा भी असीं इत्थे बण नहीं देना, उहदे करके डिले होया वा, तो कुछ ना कुछ तकनीकी प्रॉब्लम करके, कुछ फंड करके, ये करके दिक्कत आई है, अदरवाइज़ यह हूँ अपना काम पूरा रेडी हो गया वा, तो हूँ तो एंड ते आ बस। सर, जैसा कि इलाके की हालात के बारे में आपको पता है, अभी कल की एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कि मोटर के अंदर गंदा पानी जा रहा है, जो गंदा पानी है वो सारा जा रहा है और लोगों के घरों तक सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से एक लेडीज़ के पीछे मौत भी हुई है पानी पीने की वजह से, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि इसको चालू होने की वजह से पूरे इलाके का पानी सूख जाएगा? देखो टाइम टू टाइम असी डेली जिन्ने भी इलाके दियाँ पिक ने सारिया, वैसे तो फेसबुक के उत्ते सारे लोग ही पा रहे हैं, टाइम टू टाइम असी डेली कमिश्नर साहब न, ऑफिसर साहबानू, सारे पिक पाने कि साढ़े एरिए आह हालात ने, पर की चक्कर आ, क्योंकि बन दे नाल पानी अद्धा आ रहा वा, अद्धा पानी पिछे ही खड़ रहा वा, पर वास्ते जिन्ना चर पूरा नहीं चलता है उन्ना चर पानी की दिक्कत रहूगी रहूगी, पर यह चलन तो बाद सारी दिक्कत खत्म हो जूगी। SDO साहब, क्या कहना चाहोगे आप इस पर, कब तक इसको चालू कर दिया जाएगा? ऐसा है, ये ना बहुत ही टेक्निकल अपडेटिंग वर्जन है सारा। इसमें लगातार पिछले 10 दिन से बारिश हो रही है, पिछला एक महीना ही हो गया बारिश होती। जब बारिश होती है ना तो दो दिन हम पीछे चले जाते हैं, बारिश होती है इसमें पानी भर जाता है, पानी को खाली कराने में एक दिन निकल जाता है, दो दिन हम पीछे चले जाते हैं, उसकी वजह से डिले हो गया। अब आज बारिश नहीं है, कल भी बारिश नहीं हुई, तो परसों को हमें चालू कर देना है इसको, तो हमने वो सारा प्लान कर रखा है। तब मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो डिस्पोजल बन गया इसके नीचे भी काम चल रहा है, यहाँ पे मोटर शिफ्ट किया जाएगा और पानी को यहीं यहाँ बुला निकाल के और आगे को भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इलाके के बच्चों को स्कूल जाने में, यहाँ आने में बहुत काफ़ी दिक्कतें होती हैं।
ज्ञान निकेतन स्कूल के प्रिंसिपल भी यहाँ पे मौजूद हैं एमडी, इनसे हम जानेंगे कि आपके स्कूल में जो बच्चे आते हैं, आपका स्कूल पूरा डूबा हुआ है पानी के चारों तरफ, तो उनको कैसी दिक्कतें होती हैं और क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे आते हैं वो कई बार पानी में ही गिर जाते हैं या फिर उनकी ड्रेस ख़राब हो गई, फिर उनको वापस जाना पड़ेगा। तो काफ़ी पेरेंट्स भी आते हैं, कई बार उन्होंने ऑब्जेक्शंस किया, कंप्लेंट्स आई हमारे पास कि जी बच्चे आते हैं उनके लिए जो गली है किसी तरीके से बनवाया जाए। तो उस टाइम के एमएलए और काउंसलर साहब से भी मैंने कहा कई बार कि हमारी गली बनवा दी जाए किसी तरीके से, लेकिन अब धीरे धीरे समस्या का हल होता जा रहा है, डिस्पोजल बनेगा, क्या पता, उम्मीद है कि भी उससे कोई ना कोई हल निकल सके हमारा। दुबे जी, मैं एक पंजाब सरकार को बेनती करनी चाहना वा, खास करके मंत्री साहबान जोड़े साडे लोकल बॉडी मंत्री ने, भी कृपा करके जे एक बार वह साढ़े इतने दौरा कर लैन तो साढ़े काम बहुत ज़्यादा होने वाला हले भी, क्योंकि तो पहल जोड़ा भी काम होया वा बिच बंदे काफ़ी कह रहे हैं जी शरण जी ढिलों करके गंद पै गया, नो जो काम इतने पहला हो ढिलों साहब नहीं कराए ने, वो तो पहला साढ़े भी एम एल ए रहे हैं साड़ी पार्टी के, उन्होंने कुछ नहीं कराया है, तो बीरवीं साहब ने कुछ नहीं कराया है, बाकी होर भी जिन्हें कौंसलर ने किसी ने कुछ नहीं कराया। अगर पहला यह काम होया हों 50% भी तो अज साडे इलाके नूं दिक्कत ना आती, क्योंकि जब भी मैं कौंसलर बनया पहला कांग्रेस की सरकार सी, कौंसलर मैं अकाली दल का सीगा, तां वी असीं आपदे एफर्ट कर करके इत्थे तक पहुँचे हाँ। हुण आम आदमी पार्टी के लोगों ने आस ला के भी ये सरकार कोई ना कोई वधिया काम करेगी, तां करके लोगों ने फतवा दिता वा, और मैं चाहुंदा वा जे सीएम साहब भी देख रहे हैं भी जिहड़ा एरिया वा इहदे विच बहुत ज़्यादा यूपी बिहार बंगाल नेपाल इन्हां दी बसों बहुत ज़्यादा बंदियां दी आ, जिन्हां करके साडी इंडस्ट्री सक्सैसफुल हुई हुई आ, इंडस्ट्री इन्हां करके चलती आ, पर यही बंदे बेचारे बहुत परेशानी विच ने, इन्हां दे बच्चे परेशानी विच ने, भी कृपा करके इनू परसनल तौर पर लैके इस एरिए वाल विशेष ध्यान दिता जाए, मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ। सर, जैसा कि इलाके के लोग तो ये कह रहे हैं कि अभी जो मौजूदा विधायक है उन्होंने अभी तक इलाके में एक बार भी दौरा नहीं किया। देखो, मैं उन्होंने भी गुजारिश करूँगा भी लोगों ने दिन रात करके थोनू वोटा पाइया ने, तुम एक बार एरिए आ जाओ, मैं नाल चलूँगा, मैं नाल जाके दसूँगा भी कितने कितने की समस्या वा, और आप समस्या का हल करना वा, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਟੈਕਸ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਰਾਤਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੈਂਗ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਂਗ 'ਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। डॉक्टर साहब, अभी पिछले दिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इलाके के पानी का सैंपल लिया गया था जो कि फेल हो गया, पीने लायक बिल्कुल पानी नहीं है, और इलाके में जो गंदगी गंदा पानी खड़ा है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? पानी अब तो सीवरेज का आया, एक बरसात भी है और इस करके पानी भरा हुआ है, बाकी ये डिस्पोजल चल जाएगा तो ये पानी भी निकल जाएगा, फिर पानी भी साफ आने लगेगा। जो पानी खड़ा है, गंदे पानी खड़ने की वजह से किस तरह की बीमारियाँ लगती हैं? पानी गंदे से तो हर एक तरह की बीमारी चल लगती है, ये डायरिया बहुत ज़्यादा होता है इससे, और डायरिया सबसे ख़तरनाक है। बीमारियाँ तो कोई भी डायरिया के आते हैं, डायरिया में किस तरह के पेशेंट सबसे ज़्यादा है इस टाइम? डायरिया का पेशेंट ज़्यादा निकलता है, और ये सबसे ज़्यादा इसी सीवेज करके समस्या होती है। बने रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़ के साथ, मैं निखिल।